मैं अभी पीछे जाऊंगा गाड़ी को लेके। मैं बिल्कुल भी बैक नहीं देख रहा हूँ। देखिए पेड़ सामने आ रहा, सामने आ रहा, और ये देखिए मैंने रोक दिया। सब कोई अपना गाड़ी में जो है ये ला रेयर कैमरा लगा लेते हैं, लेकिन इसका काम कैसे करना है उसको पता नहीं चलता है कि किस कितना डिस्टेंस में रोकना है। जैसे कि मेरा गाड़ी अभी इस पेड़ से इतना ही डिस्टेंस में जो है रुक गया, ठीक है। तो ये किस तरह से हुआ, इतना सेफ डिस्टेंस में मैंने कैसे रोका रेयर व्यू कैमरा से, वो कैसे पता चलेगा वह आपको बताता हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखिएगा। इसमें पूरा आपको सेटिंग बताऊंगा किस तरह से रेयर व्यू कैमरा का सेटिंग करना, ताकि वो आपको खुद बताए कि हाँ ये सेफ डिस्टेंस है, यहाँ पर रोक दीजिए। तो अभी देखिए मेरा गाड़ी यहाँ पर है और वो गाड़ी वो पेड़ है, उस पेड़ के एकदम मैं सही डिस्टेंस में उसको रोकूँगा कैमरा की मदद से। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे रोकूँगा। आपको बिल्कुल भी गाड़ी को पीछे से देखने की ज़रूरत नहीं, जैसे नहीं मुंडी पीछे करके आप देखते हैं, ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। गाड़ी में कैमरा लगा तो काफ़ी है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, बैक गियर लगाना है, ठीक है। तो देखिए मेन होते ये जो लाइन होता है ना, ये लाइन मेन होता है, इसी से पता चल जाता है वो गाड़ी को कहाँ रोकना है। तो देखिए मैं अभी पीछे जाऊँगा गाड़ी को लेके, मैं बिल्कुल भी बैक नहीं देख रहा हूँ। देखिए पेड़ सामने आ रहा, सामने आ रहा, और ये देखिए मैंने रोक दिया। मैंने क्यों रोका, देखिए यहाँ पे जो रेड लाइन है ये वाला, ये रेड लाइन जो है उसका जो ज़मीन और जो पेड़ के पेड़ को टच करने वाला जो एरिया है उसको ये ला रेड लाइन टच कर लिया, तो बस मैंने रोक लिया। अब चलिए देखते हैं कि मैंने कितना डिस्टेंस में इसको रोका है, मेरा गाड़ी कितना डिस्टेंस में रुका है। तो ये देखिए मेरा जो गाड़ी है ये इतना डिस्टेंस में आके ये रुक गया है। तो आप कैमरा की मदद से इस तरह का डिस्टेंस में रोक सकते हैं गाड़ी को। तो इसके लिए सबसे पहले तो क्या करना है, आपको गाड़ी को एडजस्ट करना, अपना जो कैमरा है उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो एडजस्ट करने के पहले तो आपको ये जान लेना, कोई भी दीवार हो कुछ भी हो, तो आपको उसका ये जो ज़मीन है और जो पेड़ है, या ये ज़मीन ही या कोई दीवार है, या ज़मीन या कोई ईंटा है, तो उसको जो टच करने वाला पॉइंट है यानी ये कोना वाला पॉइंट, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसी हिसाब का क्या होगा, आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है इसका। सेटिंग में जाएंगे, जर्नल में जाएंगे, फिर रेयर व्यू कैमरा में जाएंगे, फिर ये देखिए इसमें ऑप्शन आता है गाइडलाइन एडजस्ट, ठीक है। तो गाइडलाइन एडजस्ट में जाएंगे तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये जो लाइन है इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ये एडजस्ट किया हुआ पहले से, तो आपको अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करना, ताकि कोई भी दीवार के पास जाए तो ये जो रेड लाइन है उसका कोना के पास सेफ डिस्टेंस में आकर के ये रुक जाए, ठीक है। अब देखिए मेरा इस तरह से एडजस्ट है, तो मैं इसको बैक लगाऊंगा। तो ये देखिए बिल्कुल उसका जो कोना होता है उस कोना के पास आकर के ये रेड लाइन टच हो रहा है, यानी कि मैं सेफ डिस्टेंस में, ठीक है। अभी आप इसको और जितना ऊपर करेंगे, ठीक है, अब जैसे मैं सेटिंग में जाता हूँ, फिर से जर्नल में जाऊँगा, रेयर व्यू कैमरा में जाऊँगा, फिर गाइडलाइन में जाऊँगा, फिर इसको जैसे और ऊपर कर दूँगा, ठीक है, तो क्या होगा इसमें, फिर मैं बैक गियर लगाऊँगा, तो आपको ये जो अलाइनमेंट है ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो आपको इसी हिसाब से बार बार इसको देख करके इसको एडजस्ट करना है। अब देख जैसे ये थोड़ा ऊपर है, मेरे को चाहिए कि मैं सेफ डिस्टेंस हूँ, इसका ये वाला रेड लाइन जो है यहाँ पर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो फिर मैं इसको सेटिंग में जाऊँगा, इसका जर्नल में जाऊँगा, जर्नल रेयर व्यू कैमरा, गाइडलाइन में जाऊँगा, फिर इसको ये जो रेड लाइन है इसको थोड़ा नीचे करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब देखिए अब ठीक हो गया है ये। अब देखिए जैसे ही मैं बैक गियर लगाता हूँ तो ये रेड लाइन जो है बिल्कुल इसी के सामने आके रुक जाता है। तो इस तरह से आप अपना कैमरा को जो है एडजस्ट कर सकते हैं, और तो इसी तरह से एडजस्ट किया जाता है, मैं तो इसी तरह एडजस्ट करता हूँ। आपका कोई और तरीका होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं तो इसी तरह से रेयर व्यू कैमरा से अपना गाड़ी को देख लेता हूँ कि सेफ डिस्टेंस में कि नहीं है।
तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।